इंजीनियर्स माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। आज का हमारा वीडियो मेंटल हेल्थ सीरीज से है और हमारा टॉपिक है ऑरा फोटो एंड डिस्टेंस हीलिंग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की हमारे पास कॉल्स आती हैं, ईमेल आती हैं, जिसमें आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं और हमें सॉल्यूशन चाहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग ये कहते हैं कि हमारा आपके पास आना संभव नहीं है, आप यहीं बैठे बिठाए कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए। तो ये जो है एक जेनरिक प्रॉब्लम है जिसको हम अच्छे से समझते हैं और इसके लिए हम लगातार काम करते रहे हैं, और आज का ये वीडियो इसी चीज़ का एक सॉल्यूशन देने के लिए है। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। हमारे ऑफिस के नंबर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप कॉल करना चाहें, बात करना चाहें। अभी ऑरा फोटो एंड डिस्टेंस हीलिंग का ये क्या है, इसमें क्या होता है कि अगर आप हमारे पास अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के का पहले आप अपने हमारे ऑफिस में कॉल करेंगे। हमारे ऑफिस के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सुनते हैं। अब प्रॉब्लम अलग अलग रेंज की होती हैं, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप इशू है, किसी को मनी इश्यूज हैं, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, सोशल फोबिया है और बहुत कुछ। अब इन सारी चीज़ों में हमने, जैसे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो चैनल में, ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक पर हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है और जितना हो सका है आपको सॉल्यूशन घर बैठे ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को देखकर अपने आप को रिकवर कर सकते हैं तो द बेस्ट, इससे बढ़िया कोई और बात नहीं हो सकती। आप उससे रिकवर हो रहे हैं, लोग हजारों लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास है जिन्होंने कहा है कि आपके अफर्मेशन, आपके वीडियो से हम लोग को इतना बेनिफिट हुआ है। तो उसके लिए एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें इसका यूज किया और हमें लगातार फीडबैक देते रहे हैं। अब यहाँ जो है उन लोगों के लिए है जिनकी प्रॉब्लम सीवियर है और वो प्रॉब्लम प्रॉबेबली वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके लिए हम ये ऑरा फोटोग्राफी का ये हमने सिस्टम शुरू किया कि आप हमारे एक्सपर्ट से बात करें। हमारे एक्सपर्ट आपको पहले आपकी ऑरा पिक के लिए बोलेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी ऑरा पिक, अभी एक बार ऑरा पिक आप इस तरीके से पिक लेकर भेजें, फिर हम आपकी ऑरा पिक जनरेट करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर हम आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है आपके ऑरा में, और फाइनली उसके बेसिस पे हम आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं डिस्टेंस रेकी के द्वारा। यहाँ पर आपको कुछ एक पिक्चर दिखा रहे हैं पर्सन की, जहां पर कुछ सर्टेन टाइम के बाद, देखिए एक पिक जो है वो 11:56 की है बिना हीलिंग के, और एक जो 3 o'clock की एक पिक है, 3 o'clock की एक पिक है। इसमें आप देख सकते हैं हीलिंग का जो वे है, इसी सेम पर्सन का बिफोर हीलिंग एंड आफ्टर हीलिंग, किस तरीके से हीलिंग काम करती है और ऑरा चेंज होता है, बदलता है माइंड लेवल पर और एनर्जी लेवल पर। फर्स्ट चेंज पहले चेंज आता है और वो चेंज धीरे धीरे फिजिकल लेवल पर कन्वर्ट हो जाता है। हमारे अलग अलग ऑराज आप देख सकते हैं लोगों के यहाँ पर, जिन लोगों ने ने हमारे साथ हमारे ऑफिस में आकर अपना ट्रीटमेंट करवाया है। ये खास तौर पे जो थर्ड आई का कोर्स करके जाते हैं, ये थर्ड आई के कोर्स के बाद की पिक है इन पर्सन की। आप देख सकते हैं कि थर्ड आई पर जो ये प्रॉपर तरीके से जो एक ट्रायंगल बना हुआ है और जिस तरीके से थर्ड आई का ये पूरा ऑरा खिला हुआ है, और आसपास का ऑरा आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये ऑरा जो है इनका नजर आ रहा है। सभी तरह के चक्रा कलर जिनको आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। अभी तक ये ऑरा जो है हमने गॉड गॉडेसेस के आसपास ही देखा था कि ये ऐसा ऑरा होता है या किसी महान लोगों के आसपास ही होता है, लेकिन अब ये पॉसिबल है कि हम जैसे लोग भी अपने ऑरा को बेहतर कर सकते हैं, इसकी टेक्निक अवेलेबल है। तो पहले तो जाने कि आपका ऑरा है कैसा है, आप अंदर से दिखते कैसे हैं, एनर्जी लेवल पर आप कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो जरूर इस चीज को एक बार जाने। जैसा मैंने दूसरे वीडियोज में भी बताया, आपको अगर कोई मेंटल इश्यू है, आपके अंदर कुछ पुराने दबे हुए फोबियाज हैं, कोई ग्रजेस हैं, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई पेन है, कोई पुरानी बिसरी हुई यादें हैं जो आपको लगातार हॉन्ट करती रहती हैं, आपको तकलीफ देती रहती हैं, आपको कोई मेंटल डिजीज है, ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने
अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन हर चीज जो है वो केवल वीडियो देख लेने से तो ठीक नहीं होती। इसलिए फिर हमने ये कंसल्टेशन शुरू किया कि आप अपनी पहले ऑरा पिक भेजें, फिर हम उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। इसके साथ साथ जो जहां तक हम कर सकते हैं हम जरूर उसमें कोशिश करेंगे आपके लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ऑरा चेंज होकर ये बिल्कुल क्लोज लुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका थर्ड आई कितने बेहतरीन तरीके से खिला हुआ है, और नोज चक्रा और चीक चक्रा और चिन चक्रा किस तरीके से खिल गए हैं एकदम प्रॉपर ब्राइटनेस के साथ, और खास तौर पे थर्ड आई के ऊपर जो प्रॉपर ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बिल्कुल इंडिकेट करता है कि थर्ड आई के खुलने को इंडिकेट करता है। जिन लोगों की ब्लॉक है उनकी भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए कि थर्ड आई जब ब्लॉक होती है तो कैसे होती है। यहाँ पर एक और थर्ड आई के एक्टिवेटेड पर्सन है, आप देख सकते हैं इनका बेहतरीन तरीके से कैसे ऑरा खिला हुआ है इनके चेहरे के ऊपर, जो ये जो एक प्रॉपर शेप में आप इनके माथे के ऊपर ये जो आधा चांद जैसी शेप दे सकते हैं, और ठीक माथे के सेंटर में यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है ये थर्ड आई के खुलने को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ नोज चक्रा, चीक चिन चक्रा और चीक चक्रा जो है ये आपके फेस के अंदर जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन पावर है, ये उसको इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर आप क्लियरली यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर आपको पता चल जाती है कि आप अंदर से कैसे दिखते हैं। तो एक बार अपनी ओरा पिक जरूर लें। साथ ही साथ यहाँ एक और पिक है यहाँ पर एक पर्सन की, ये सब हमारे थर्ड आई के क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पर हमने अलग अलग लेवल पर काम किया है। इतने ब्यूटीफुल ढंग से यहाँ पर इनका थर्ड आई एक्टिवेटेड है, आप देख सकते हैं कितना क्लियर कट इंडिकेशन है चेहरे के ऊपर थर्ड आई के एक्टिवेशन का। तो ये आपको मुझे कुछ अल्टीमेटली हर चीज का एक प्रॉपर प्रूफ होना बहुत जरूरी है ना, जब हम कहते हैं कि हम थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ दिखता है कि एक्टिवेशन होता है, राइट। सिमिलरली जब हीलिंग करते हैं तो कैसा चेंज आता है, ये हीलिंग के चेंजेस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है और आंखें चारों ओर, ये दिखाता है ये कि प्रॉपर हीलिंग हुई है, और थोड़े ही दिनों में मतलब पहले एनर्जी लेवल पर चेंज आता है और वो चेंज धीरे धीरे फिजिकल लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक पर्सन का हम सहस्रार का चक्र दिखा रहे हैं, तो ये भी पूरी तरह से खिल गया है थर्ड आई के बाद। नॉट ओनली कि इनका थर्ड आई एक्टिवेट हुआ है, साथ में इनका सहस्रार पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर आप इनका खुला हुआ सहस्रार चक्र जो है सिर के ऊपर देख सकते हैं। बेसिकली ऑरा फोटोग्राफी में क्या है, क्योंकि हमारे सात चक्र जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल से कनेक्टेड हैं, अलग 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 बीमारियों से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रूट चक्र प्रॉब्लम कर रहा है तो आपकी लाइफ में बेस नहीं होगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपका माइंड लगातार डाइवर्ट होता रहेगा, दौड़ता रहेगा। हाइपर एक्टिव जो लोग होते हैं, टेंशन वाले, एंजाइटी, डिप्रेशन का जो बेस रीजन होता है वो रूट चक्रा का इंबैलेंस होता है। अब आप देख सकते हैं बात बिल्कुल छोटी सी दिखती है कि कैसे मैं एनर्जी लेवल पर हील करके इस पर्सन की डिप्रेशन ठीक कर सकता हूं। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है, होता है, राइट। और आपके सामने प्रॉपर प्रूफ की तरह दिखाएंगे कि पहले आपका चक्रा इम्बैलेंस था तो आप कैसे दिखते थे अंदर से, आपका एनर्जी लेवल पर कैसा चेंज था, और उसके बाद जब हमने उस पर वर्क किया, हीलिंग की, तो उसके बाद आप कैसे दिखते हैं। लास्ट में जब हीलिंग कर देने के बाद एक बार फिर आपकी पिक ली जाती है और फिर आपको उसका ऑरा पिक दिखाया जाता है कि ये चेंज आया है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। इसमें डिस्टेंस हीलिंग की जो बात मैं कर रहा हूं ये कैसे काम करती है, डिस्टेंस हीलिंग में जैसा हम एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं उस पर्सन को कि आपको जो है एक सर्टेन टाइम पर आपको अपने घर में मेडिटेशन वाले पोस्चर में बैठना है, रिलैक्स होकर बैठना है, मतलब उसमें कुछ और ना करते हुए आपको रिलैक्स होकर बैठना है। रात का टाइम रहता है नॉर्मली 10, 10:30, 11 बजे तक का टाइम रहता है कि आप उस समय अपने घर में रिलैक्स होकर बैठ जाएं या लेट जाएं, और यहाँ से हम एक हीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। उस हीलिंग प्रोसेस के दौरान आप नॉर्मली आप सिर्फ रिसेप्टिव होकर बैठते हो और हीलिंग रिसीव करते हो। तो ये जो रेकी की एनर्जी है, ये रेकी की एनर्जी ब्रह्मांड से होती हुई ये हम आप तक पहुँचती है। देखिए ये बिल्कुल जो भी रेकी थोड़ा बहुत जानते हैं इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, ये हमारे इंटेंशन पर चलती है। मतलब अगर मैं आपको दिल से दुआ देता हूं फॉर एग्जाम्पल, राइट, मेरी दुआ का मतलब क्या होता है,
माँ बच्चे को दूर दूर से दुआ देती है, वो मिल नहीं सकती फिजिकली, उससे दूर है तो दिल से दुआ देती है, वो दुआ जैसे काम करती है, ये कुछ ऐसा ही काम है। इसमें खास तौर की एनर्जी होती है, इस एनर्जी से प्रॉपर हीलिंग की जाती है। और सपोज जैसे रूट चक्र, हमने पहले ऑरा देख लिया है उस पर्सन का, और अब जैसे पता लग रहा है कि अगर रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, तो यहाँ से रूट चक्रा के लिए स्पेशल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर की जाती है और रूट चक्रा की हीलिंग की जाती है। किसी का मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस अगर इम्बैलेंस है तो उसी को प्रॉपर एनर्जी दी जाती है ताकि उसके जो उससे रिलेटेड इशू है वो हील हो सके। तो इस तरीके से ये जो एक ये जो प्रोसेस है पूरी तरह से साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल पर्सन रहा हूँ सदा से, और जब तक मुझे मैं खुद पूरी तरह से किसी चीज से कन्विंस नहीं हो जाता, मैं कभी किसी को उस चीज के लिए रिकमेंड नहीं करता। मैंने इतने समय से इस चीज को कभी मैंने आप तक कम्युनिकेट नहीं किया। अब लगभग 1.5 साल से हम एनर्जी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अब हम रिजल्ट जो हमने इतने समय से देखे और मैं पूरी तरह से कन्विंस हुआ, और साथ में और आप फोटोग्राफी जब शामिल हुई, तब क्लियरली मैं कह सकता हूं कि हाँ चेंजेस आते हैं और बहुत अच्छे चेंजेस आते हैं। तो ये आप अपना इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं, और एट द सेम टाइम आपको अपनी फोटो भेजनी होती है, इस तरह से ली गई जैसे ली गई आपको उठाऊंगा, और फोटो आपको भेजी जाती है, हीलिंग का टाइम बताया जाता है, आपको 10 से 30 मिनट तक बैठना होता है, हीलिंग 5 से लेकर 30 दिन तक चल सकती है, रोज आपको 5-10 मिनट के लिए बैठना होता है, हीलिंग के बाद फिर से ऑरा फोटो ली जाती है। ये ऑरा फोटो इस तरह से होती है, आपको अपनी पिक जो भेजनी है वो ऐसी होनी चाहिए, व्हाइट कपड़ों में व्हाइट बैकग्राउंड होगा और आपको व्हाइट ही पहनना है पूरा, और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए इस तरीके से, और एक आपको अपनी क्लोजअप भेजनी है जहां पर आपकी फेस की फोटो हो। इसे जो हम जनरेट करेंगे, जैसे ये आप ऑरा देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ऑरा फोटो ये हमने जनरेट करी है, इनका यहाँ पर हमें दिख पा रहा है कि इनका जो है आप देख पा रहे हैं सोलर प्लेक्सस जो है वो बिल्कुल क्लियर कट एक्टिवेटेड है, और हार्ट चक्रा भी बहुत ठीक है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम जैसे अगर आपको दिखती है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम भी नजर आएगी, अगर किसी एक जगह पर प्रॉब्लम है तो आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि पैचेस रेड कलर के, डीप रेड कलर के पैचेस जो है वो नजर आते हैं बॉडी में। हम एक बार देख पाए कि प्रॉब्लम यहाँ पर है तो उसी पर्टिकुलर पार्ट की फिर हीलिंग स्पेसिफिकली की जाती है। तो इस तरीके से ऑरा पिक जनरेट करके आपके साथ शेयर की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके किसी ना किसी काम जरूर आएगा। जिसको भी जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।